नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट डिजिटल बोर्ड फॉर स्कूल। यदि आप भी एक स्कूल चलाते हैं या कोचिंग वगैरह भी चलाते हैं, सारा जानकारी देने वाले हैं, लेकिन मेनली रूप से हम लोग स्कूल के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप भी एक स्कूल चलाते हैं तो कौन सा डिजिटल बोर्ड आपके लिए बेस्ट होगा, क्या प्राइस आता है, कहाँ से मिलेगा, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्व वर्ष और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, कोचिंग के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड, फुल स्टूडियो सेटअप, साथ ही साथ टीचर्स स्कूल या इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए खुद का ऐप, वेबसाइट, ठीक है, और हर एक चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9973725719। इस नोट पे आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, स्कूल की यदि बात की जाए, स्कूल में भी अलग अलग साइज का आप लोग डिजिटल बोर्ड लगा सकते हैं। तो डिजिटल बोर्ड लेने से पहले, स्कूल के लिए लीजिए या कॉलेज के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट में बहुत सारा वेंडर आ चुका है बेचने के लिए। यदि कहीं भी आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है उस जगह पर कम रुपया में दे रहा है तो आप फंस ही जाइएगा, तो बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। कहीं कम रुपया में एक ही कंपनी का डिजिटल बोर्ड, मान के चलिए एक्स कंपनी को ही है इसका डिजिटल बोर्ड, एक कंपनी आपका यहाँ पे जो है कोई भी अलग वेंडर आपको 1,20,000 बता दिया और यहाँ पे आपको 1,30,000 बता दिया, तो कहां से क्या लेना चाहिए, क्या यहां से लेना चाहिए, कहां से सर्विस बेटर मिलेगा, सारा जानकारी पे हम लोग, सारा पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सारा पॉइंट पे क्या है हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को डिजिटल बोर्ड लेने से पहले कुछ पॉइंट को बात में रखना चाहिए, मतलब ये रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला आता है कौन सा साइज का ले। यदि आप स्कूल चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा साइज का स्कूल में डिजिटल बोर्ड बेस्ट होता है, तो आपका नीड पे डिपेंड करता है। अब देखिए, पहला आता है इसमें स्कूल के लिए हम लोग 55 इंच भी देते हैं, ठीक है, फिर आपका आता है 65 इंच, फिर आपका आता है 75 इंच, और फिर आपका आता है 86 इंच। क्या आता है? 86 इंच। तो ये 3 से 4 साइज का मेनली डिजिटल बोर्ड स्कूल के लिए होता है। 55 इंच किसके लिए होता है? 55 इंच यदि आपका प्ले स्कूल है, यदि आपका प्ले स्कूल है, ठीक है, या टीचर्स मीटिंग करवाते हैं, मतलब टीचर्स के लिए होता है ना, एक अपना स्टूडियो टाइप से मतलब लगा होता है, वहां से 50 से 100 टीचर्स है आपके स्कूल में, 10 टीचर है, उसको कुछ समझाना है आपको, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे बच्चे को समझाना चाहिए, जो भी टीचर्स को आप ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हैं चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो अपना रूम में लगा के आप रख सकते हैं। या आपका प्ले स्कूल है या टीचर्स वगैरह के लिए है, या आप केजी वगैरह के लिए या नर्सरी एलकेजी टू केजी वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, नर्सरी एलकेजी जो भी चीज़ के लिए है, तो उसके लिए आप लोग इसके लिए 55 इंच का ले सकते हैं। 65 इंच किसके लिए है? नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1-2 तक आप चला सकते हैं, लेकिन आपके क्लास में मैक्सिमम बच्चे की संख्या 30 होना चाहिए। क्या है? आप नर्सरी के लिए, एलकेजी के लिए, यूकेजी के लिए, ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। 65 इंच ये आप मान चलिए 3 से 4 क्लास तक आप यूज कर सकते हैं, प्ले स्कूल में भी यूज कर सकते हैं, आप टीचर्स वगैरह के लिए, मीटिंग वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो 65 इंच का जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप यदि मान चलिए 5 तक ले जा सकते हैं, 4 तक लिखे हैं मैक्सिमम, 5 क्लास वगैरह तक, और इसमें बच्चों की संख्या की यदि बात की जाए, 50 से 60 यदि बच्चा रहता है तो सही रहेगा, उससे ज़्यादा पे भी ठीक ठाक चलेगा, लेकिन क्या होता है ना, दिखाई उसको नहीं देगा उस टाइप से, ठीक है। अब देखिए, 75 इंच ये आपका स्टैंडर्ड साइज है, ये सर आपका स्टैंडर्ड साइज है। जितना भी डिजिटल बोर्ड अभी मार्केट में चल रहा है, 90% टीचर्स स्कूल वाले इसी को यूज करते हैं 75 इंच का। तो 75 इंच का जो है ये स्टैंडर्ड साइज है, इसमें आप अपना स्कूल को ऑनलाइन वगैरह में पढ़ा रहे हैं, मतलब ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देना है, या कुछ भी आपको पढ़ाना है, आप 8th क्लास तक 9th क्लास तक 10th क्लास तक आपका स्कूल चल रहा है, ठीक है, प्ले स्कूल से लेकर 10th तक आपका चल रहा है, उसके लिए आप 75 इंच इजिली यूज कर सकते हैं। 86 इंच मेनली हम लोग स्कूल के लिए नहीं बताते हैं, डायरेक्शन नहीं देते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है, यदि आपका मान के लिए 10th वगैरह का बच्चा है तो इसके लिए आप ले सकते हैं, और एक क्लास में मान के लिए आपका 100+ 200+ बैठता है तो ये आपका 75 इंच से भी नीड पूरा हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि बैठता है स्कूल में, ये बड़ा बड़ा स्कूल में जो भी चीज़ें हैं तो 150-200 बच्चा तक मैक्सिमम बैठता है, तो 75 इंच तक आपका नीड पूरा हो जाता है। 55 मतलब प्ले स्कूल वगैरह है, या आप टीचर्स वगैरह को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, या आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी वगैरह को पढ़ाते हैं तो 55 तक चल सकता है। 65 यदि 3-4-5 तक मैक्सिमम पढ़ाते हैं तो 65 तक चल सकता है। 75 स्टैंडर्ड साइज है, आपको क्लास 10 तक है, 12 तक है, आप इसको चूज कर सकते हैं। तो हम लोग समझ गए सबसे पहले साइज के बारे में। दूसरा हम लोग समझेंगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग का जो है ये है आपका प्राइस। प्राइस हम लोग थोड़ा जान ले, ठीक है, प्राइस। अब देखिए,
ये जो प्राइस है ये दो चीजें पर वेरी करता है, पहला कंपनी मार्केट में जो कंपनी चल रहा है जो कि अभी बहुत सारा कंपनी है, और दूसरा प्राइस वेरी करता है साइज के ऊपर। तो हम लोग एक पहला फैक्टर जानने वाले हैं प्राइस का, हम लोग समझ गए साइज, अब हम लोग प्राइस जानने वाले हैं। तो प्राइस जो है लगभग आपका 55 इंच यदि बात की जाए तो इसमें आपका 80K से स्टार्टिंग हो जाता है, कितना 80,000 रुपया से। 65 यदि इंच की बात की जाए तो ये आपका 1,00,000 रुपया से लगभग स्टार्टिंग हो जाता है। 65-75 की यदि बात की जाए तो ये आपका लगभग 1,35,000-40,000 रुपये तक में स्टार्टिंग हो जाता है, और लास्ट की यदि 86 इंच की बात की जाए तो ये आपका 2,10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो यही साइज का आता है लगभग, ये प्राइस आता है। अब डिपेंड करता है कंपनी, आप सर स्टार्टिंग बोले हैं तो कोई कंपनी 80 में भी देता है, कोई 85 में भी देता है, कोई 90 में भी देता है, ठीक है। इतना आप यदि अपने जेब में रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग तीसरा पॉइंट की यदि बात की जाए, तो वो पॉइंट होगा कंपनी, क्या होगा कंपनी। तो मार्केट में अभी जो है, मार्केट की यदि बात की जाए बहुत कंपनी है, अनगिनत है, 100 से भी ज़्यादा है, लेकिन 4 से 5 कंपनी ही बेटर है। तो कौन सा 4 से 5 कंपनी बेटर है, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारा वेंडर आ गया है, जैसे बताए थे, आप ऐसा वेंडर से लीजिए जिसका रिव्यू सही हो, जो कुछ स्कूल में लगाया हो, उससे पूछिए, उससे बात कीजिए और अच्छे कंपनी को चूज कीजिए, तब जाके ये कीजिए। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, यदि सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए तब आपको रिटर्न मिलेगा, तब आपको आरओआई अच्छा मिलेगा, मतलब आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब आपको बढ़िया मिलेगा। और यदि आप अच्छे जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसा आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए सही समय पे सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने स्कूल को ऑनलाइन लाइए, क्लासेस वगैरह में लगाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।